फ्रेंड्स, अगर आप किसी को ऐसे मोबाइल में डूबे हुए देखें तो आप इस चीज़ को कंफर्म समझ लीजिएगा कि वो इस वक्त डूबा है गेमिंग की दुनिया में। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें गेमिंग की तो चांसेस हैं कि मेजॉरिटी वो यूज़ कर रहे हैं BGMI। जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि इंडिया में जो BGMI है उसको अनबैन कर दिया गया है और चारों तरफ धूम मची हुई है। इंडिया पूरा एक अच्छे एनवायरनमेंट में जो है डूबा पड़ा है। तो आज आप लाइक और शेयर करते हुए इस वीडियो को आगे देखते रहिए। आज मैं BGMI के हिडन सीक्रेट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ अदनान, आप देख रहे हैं टेक्निकल साज यूट्यूब चैनल को। तो चलते हैं टेक्नोलॉजीज़ की दुनिया में। गाइस, देखा जाए तो इंडिया में जो ई स्पोर्ट्स हैं उसमें बहुत ही तगड़े जो है वो कॉम्पिटिशन होते हैं। हर साल न्यू गेम्स जो हैं वो लॉन्च होते हैं और जो पूरा इंडिया है, इंडिया के जितने भी गेमर्स जो कि गेमिंग को एंजॉय करते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इस चीज़ को एंजॉय भी करते हैं और अपनी स्किल्स को काफ़ी अच्छी फॉलोइंग के साथ जो है इम्प्रूव करते हैं और सबके सामने लेके आते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम मेन गेमिंग की बात करें तो वो है पबजी। पबजी के बाद गेमिंग की दुनिया बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंड हुई और इसके साथ लेटेस्ट जो है वो गेमिंग को एक नया रूप मिला। उसके बाद इतनी अच्छी गेमिंग की मार्केट बनी कि जैसे ही कोई न्यू गेम आती हैं, जैसे कि BGMI हो गया है, पबजी हो गया है, ऐसी लेटेस्ट न्यू गेम्स निकल के आ रही जो कि बहुत ज़्यादा इंजॉइनिंग होती है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम देखें 2020 को, तो 2020 में पबजी को बैन कर दिया गया था और जिसके साथ साथ इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से डाउन हो गई। तो यहाँ पे सब बहुत परेशान हो गए और सोचने लग गए कि अब क्या होगा, कौन सी गेम आएगी, कौन सी गेम हम इन्जॉय करेंगे। तो उसके बाद 2021 में BGMI इंडिया में लॉन्च की गई। हालांकि देखा जाए तो ये जस्ट एक टेस्टिंग के लिए 3 मंथ यानी कि 19 डेज़ के लिए इसको टेस्ट के लिए उन्होंने लॉन्च किया था कि इसका फीडबैक क्या आता है, लेकिन चारों तरफ इतनी धूम मच गई कि जैसा कि मैंने आपको भी बताया थोड़ी देर पहले कि इसको जो है वो 3 मंथ के लिए यानी कि 90 डेज़ के लिए दोबारा ट्रायल बेसिस के लिए इन्होंने दोबारा लॉन्च किया है। उसके बाद देखेंगे गवर्नमेंट के इसको मज़ीद जो है वो इंटरनेट के ऊपर रखना चाहिए या इसको बैन ही रखना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी स्टडी को छोड़ के तो वो ये गेम खेलना शुरू हो जाते हैं, जो इसके इशूज़ थे जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अगर 1-2 घंटा स्टूडेंट्स के ऊपर सर्वाइव करता है तो फिर हम इसको जो ये पॉसिबिलिटी इंटरनेट के ऊपर विजिबल रखते हैं, अदरवाइज इसको प्रॉपरली जो है वो अब बैन कर दिया जाएगा या प्रॉपरली इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम थोड़ा पीछे जाते हैं और ये समझते हैं कि BGMI जो है वो कैसे वजूद में आया, इसके पीछे क्या रीजंस थे, क्या इसका एक्सपेक्ट किया हुआ था और किस हिसाब से इसकी फॉलोइंग जो है वो आई, ये सारा कुछ हम समझने की कोशिश करते हैं। गाइज, अगर हम बात करें पबजी की तो पबजी में ये होता है कि एक जो है आप ग्रुप का हिस्सा होते हैं और उस ग्रुप में आपने जो है फ़ाइट करनी है और अपना मिशन को आपने कंप्लीट करना है। अगर आप यहाँ पे बात करें मारियो की तो वहाँ पे और एडवेंचर पबजी या BGMI जो है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो BGMI है या पबजी है इसका आइडिया जो है वो कहाँ से जनरेट हुआ, तो बहुत पहले 2000 में एक मूवी आई थी जिसमें एक फाइटिंग का सीन था। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं तो ऐसा ही सीन था, तो यहाँ से इंस्पिरेशन जो है वो मिली, तो फिर जो है पबजी को बनाया गया और BGMI जो है वो उसका ही आपको पता है लेटेस्ट वर्जन है, जिसको आप 2.0 भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझने के लिए वैसे जो है वो BGMI जो है वो जस्ट इंडिया के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो है पबजी बैन है। ठीक है, तो अभी जो है पाकिस्तान में अगर आप देखा जाए, पूरी दुनिया में देखा जाए, तो पबजी जो है वो काफ़ी एक एडवेंचर है। जैसे कि एक ओल्ड गेम्स में होती थी, वहाँ भी एक ही प्लेयर है आपका और वो भागा जा रहा है ठीक है, तो ऐसा नहीं है। पबजी में आपका एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में एक मिशन होता है, मिशन के अकॉर्डिंग ही आपने जो सारी बाउंड्रीज हैं उसको आपने क्लियर करना होता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम होती है। साथ में फाइटिंग जो है वो भी ऐसा होता है जैसे आप गेम में खुद हैं और आप फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसके नेम रखने के बारे में, तो ये इसका जो बैटल ग्राउंड नेम था ये उस मूवी का भी सेम नेम था। इस वजह से क्या हुआ कि उन्होंने कॉपीराइट क्लेम की वजह से इस गेम का नाम जो है वो नहीं रखा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपको पबजी में एक मैप नज़र आता है वो बेसिकली ऐसा ही मैप नहीं है कि ऐसे ही उठा के उन्होंने इंटीग्रेशन करके उसको गेम में ऐड कर दिया। यहाँ पे प्रॉपर रिसर्च के बाद जो पूरी दुनिया का मैप है उसके अकॉर्डिंग ही इस मैप को जो है वो डिज़ाइन किया गया है और देन उसको ऐड किया गया, इंटीग्रेट किया गया है पबजी के जो ओवरऑल ग्राफिक्स हैं, तो इसको इंटीग्रेट किया गया है पबजी में। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन के ऊपर बहुत सारी ऐसी प्लेसेस की पिक्चर्स आ रही होंगी
जिसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी रियलिटी हैं, ठीक है। ये पूरी दुनिया में जो फेमस जगह हैं, ठीक है, जो प्लेसेस हैं, वहाँ से इंस्पायर होके उन्होंने वो चीज़ें इसमें ग्राफिकली जो है उस चीज़ को इम्प्रूव किया है और ऐड किया है। फ्रेंड्स, ये पबजी में ओवरऑल हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कंबाइन किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से इसकी जो है वो रिसर्च की गई है, उसके बाद इसको डिवेलप किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे मेन इंपॉर्टेंट की मार्केटिंग की, जैसे कि हो गई, जैसे कि ये पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा मशहूर है और लोग बहुत ही ज़्यादा इसको एंजॉय करते हैं, काफ़ी सारा अपना टाइम जो है इसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको मैं बताता चलूँ कि इसकी जो इन्वेस्टमेंट है मार्केटिंग की, वो ज़ीरो है। इसके ऊपर कोई भी उन्होंने मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं की थी। फ्रेंड्स, इसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ीरो इसलिए है क्योंकि इसका आइडिया न्यू था, ग्राफिक्स अच्छे थे, बहुत अच्छी प्लानिंग थी, बहुत अच्छी मैप इंटीग्रेशन थी और ईच एंड एवरी थिंग इसमें क्लियर था। इस वजह से जो भी बंदा इसको इंस्टॉल करता वो 10 बंदों को बताता, वो 10 बंदे और 10 10 को बताते, ऐसी इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो पूरे इंडिया, पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो छा गई, जिसके साथ आज ये पाकिस्तान और पूरी दुनिया की सबसे टॉप गेमिंग एप्लीकेशन है। गाइज, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट जो है वो जस्ट अभी इन्होंने इंडिया में ही की है। $1 मिलियन जो है उसकी इन्वेस्टमेंट की है क्योंकि वहाँ पे वेपन्स भी चाहिए थे, ठीक है, और इसके लेटेस्ट ग्राफिक्स जो थे वो भी उन्होंने रेडी करने थे, ठीक है। तो BGMI इंडिया में लॉन्चिंग के बाद ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से जो है वो ऊपर गई है और उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक हफ्ते में ही रिटर्न हो गई है। तो ऐसे ही बहुत ही अच्छे इसकी ग्राफिक और फीडबैक ऑडियंस की तरफ से जो है वो आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ईच एंड एवरी थिंग आज हमने इस वीडियो में क्लियर किया। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल के ऊपर न्यू हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।